नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल रेल नॉलेज पे। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है 15904 चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों यह द्वि साप्ताहिक मेल टाइप की एक्सप्रेस ट्रेन है और इस ट्रेन का संचालन उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे जोन करता है, जो पंजाब के चंडीगढ़ से बुधवार व रविवार को रवाना होकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, नागालैंड के रास्ते आसाम के डिब्रूगढ़ शनिवार एवं बुधवार को पहुंचती है। दोस्तों अगर बात करें इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन चंडीगढ़ जंक्शन से डिब्रूगढ़ की टोटल डिस्टेंस 2638 किलोमीटर को करीबन 46 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से 56 घंटे और 55 मिनट में तय करती है। और दोस्तों इस ट्रेन का 33 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। और दोस्तों इस ट्रेन की अधिकतम परमिसेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों अगर बात करें इस ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की तो इस ट्रेन को चंडीगढ़ से कटिहार तक गाजियाबाद लोको शेड का वेव 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है और वहीं कटिहार से डिब्रूगढ़ तक न्यू गुवाहाटी लोको शेड का WDM-3A या WDP-4D इनमें से कोई एक डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है। और वहीं दोस्तों अगर बात करें इस ट्रेन में कोचेज की तो इस ट्रेन में LH ब्रेक श्रेणी के कोच रहते हैं, जिनमें सेकंड AC का एक कोच रहता है, थर्ड AC के 4 कोच, स्लीपर क्लास के 12 कोच, जनरल क्लास के 2 कोच, 2 कोच जनरेटर कम सामान और गार्डियन और 1 कोच पेंट्री कार को मिलाकर कुल 22 कोच रहते हैं। और दोस्तों इस ट्रेन का चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ तक का किराया सेकंड AC का किराया 3,915 रुपये रहता है, वही थर्ड AC का किराया 2,730 रुपये है, स्लीपर का किराया 1,080 रुपये और वहीं जनरल क्लास का किराया 480 रुपये रहता है। दोस्तों यह अपडेटेड किराया नहीं है क्योंकि रेलवे समय समय पर इस किराए में बदलाव करता रहता है, इसलिए किराए एवं किराए की ज़्यादा जानकारी के लिए रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। दोस्तों रेलवे इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध कराता है, साथ ही ऑनबोर्ड कैटरिंग एवं ई कैटरिंग की सुविधा भी इस ट्रेन में उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार एवं रविवार को रात में 11:20 पे चंडीगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होती है। और दोस्तों यहां से रवाना होकर यह ट्रेन पहुंचती है अंबाला गेंड जंक्शन रात में 12:10 पे और 15 मिनट ठहरने के बाद 12:25 पे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों सहारनपुर जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है रात में 2:10 पे और 10 मिनट ठहरने के बाद 2:20 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है मुरादाबाद जंक्शन, सुबह में 5:25 में यहाँ पहुंचती है और करीबन 8 मिनट ठहरने के बाद 5:33 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों बरेली जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है सुबह में 6:53 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 6:55 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है लखनऊ चार बाग सुबह में 10:55 पे और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद 11:10 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है गोंडा जंक्शन, दोपहर में 1:45 पे यहाँ पहुंचती है और 5 मिनट ठहरने के बाद 1:50 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है गोरखपुर जंक्शन, शाम में 5:30 पे यहाँ पहुंचती है और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद 5:45 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों देवरिया सदर यह ट्रेन पहुंचती है शाम में 6:29 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 6:31 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है सिवान जंक्शन, 7:50 पे यहाँ पहुंचती है और 5 मिनट ठहरने के बाद 7:55 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है छपरा जंक्शन, रात में 9:05 पे यहाँ पहुंचती है और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 9:15 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है सोनपुर जंक्शन, रात में 10:03 पे यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 10:05 पे ऐसे रवाना हो जाती है।
इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है हाजीपुर जंक्शन, रात में 10:17 में यहाँ पहुंचती है और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 10:22 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों मुजफ्फरपुर जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है रात में 11:25 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 11:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है समस्तीपुर जंक्शन, रात में 12:20 में यहाँ पहुंचती है और 5 मिनट ठहराव के बाद 12:25 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है बरौनी जंक्शन, रात में 2:10 में यहाँ पहुंचती है और 10 मिनट ठहरने के बाद 2:20 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है खगड़िया जंक्शन, 3:13 में यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 3:15 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों नवगाछिया यह ट्रेन पहुंचती है सुबह में 4:03 पे और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद 4:05 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है कटिहार जंक्शन सुबह में 6:10 पे और करीबन 25 मिनट ठहरने के बाद 6:35 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों कटिहार जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है इलेक्ट्रिक से डीजल और यहां तक यह ट्रेन 1489 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है किशनगंज, 8:25 में यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 8:27 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है सुबह में 10:10 पे और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 10:20 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है न्यू कूच बिहार दोपहर में 1:25 पे और 5 मिनट ठहरने के बाद 1:30 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है न्यू अलीपुर द्वार दोपहर में 1:50 पे यहाँ पहुंचती है और 5 मिनट ठहरने के बाद 1:55 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है कोकराझार 3 बजे यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 3:02 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है नो बोंगई गांव जंक्शन शाम में 4:35 पे यहाँ पहुंचती है और 10 मिनट ठहरने के बाद 4:45 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है रंगिया जंक्शन शाम में 6:07 पे यहाँ पहुंचती है और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 6:12 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है गुवाहाटी शाम में 7:30 पे यहाँ पहुंचती है और करीबन 20 मिनट ठहरने के बाद 7:50 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों लुमडिंग जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है रात में 11:05 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 11:10 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है दीपू रात में 12:38 पे यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 12:40 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है दीमापुर रात में 1:33 पे यहाँ पहुंचती है और करीबन 7 मिनट ठहरने के बाद 1:40 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है फुरकटिंग जंक्शन 3:30 पे यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 3:32 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों मरियानी जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है सुबह में 4:20 पे और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 4:30 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है सिमलगुड़ी जंक्शन सुबह में 5:15 पे यहाँ पहुंचती है और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद 5:17 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने सेकेंड लास्ट स्टॉपेज न्यू तिनसुकिया जंक्शन सुबह में 7 बजे और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 7:10 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने लास्ट स्टॉपेज डिब्रूगढ़ सुबह में 8:15 पे और यहां तक 2638 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों यह थी 15904 चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लें ताकि चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों अगर वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।